नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद मिश्रा क्लासेस में। आज हम जानेंगे कि जीएसटी आरटीआर का जो लॉगिन पेज है, वहां से आरटीआर किस तरह फाइल करें हम, और क्या क्या जीएसटी आरटीआर में होता है, यानी जीएसटी की जो रिटर्न्स होती है वो कितने प्रकार की होती है और कैसी होती है देखने में और विजुअलाइजेशन में। तो चलिए उसके बारे में बताते हैं हम। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक पेज ओपन कर रखा मोजिला फायरफॉक्स में। ये जीएसटी गुड एंड सर्विसेस यानी जीएसटी का ये लॉगिन पेज है। तो यहाँ पर लॉगिन किया है मैंने, तो लॉगिन को करने पर ये लॉगिन का पेज खुलेगा। तो जब आप जीएसटी का जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा, तो उसे यहाँ पर एंटर करते हैं। जैसे कि मैंने एक ले रखा है, जैसे आपको दिखाने के लिए एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक यूजर आईडी और पासवर्ड है, और इसमें हम एक पासवर्ड डालेंगे QR कोड्स को, जो यहाँ पर स्कैन करने के लिए हेल्पफुल होगा। इसको डालने के बाद यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे। तो आप देखेंगे कि हमारा ये लॉगिन हो गया है। यहाँ पर वेलकम टू वेद मिश्रा एंटरप्राइजेज है, उस नाम की मेरी एक फर्म है। तो वहाँ का आपको ये लॉगिन पेज दिख रहा है जीएसटी कॉमन पोर्टल का। तो देखिए, यहाँ पर जो भी होगी तो रिटर्न की आप डिटेल ले सकते हैं। यहाँ पर रिटर्न फाइलिंग होगी, यहाँ पर चलान होगा। चलान का करने का मतलब हो गया यहाँ पर जो फाइलिंग की जाएगी उसमें से अगर कोई डाउटफुल हो तो यहाँ से हम चेकअप करेंगे, और यहाँ पर हमें कोई नोटिस आता है गवर्नमेंट से तो उसको चेकअप करेंगे। लेकिन आज हम रिटर्न फाइलिंग के ऊपर फोकस करते हैं। और बाकी ये इसका आइकन्स है, यहाँ से होम पे जाना है तो डेस्कटॉप पे ही हम सर्विस जो भी चाहिए हमें यहाँ से, जैसे कोई भी रिटर्न की या रजिस्ट्रेशन की जो ट्रैकिंग करने में चाहिए, पेमेंट्स करनी है उससे रिलेटेड, बाकी कुछ डाउनलोड करना है आपको, किसी कोई रिटर्न होगी, कोई टैक्स पेयर की डिटेल्स होगी, ऑफिस एड्रेस ये सारी चीजें, किसी टैक्स पेयर को सर्च करना है, ईवे बिल, हम कहीं से अपना सप्लाई करें कहीं और से कहीं और तक, तो उसके लिए ईवे बिल इशू करना है, उसके लिए उसकी रिटर्न और फाइलिंग्स इंफॉर्मेशन। ये हम रिटर्न के ऊपर बढ़ते हैं। रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे, यहाँ पर हमसे पूछे किस फाइनेंशियल ईयर में हम फाइल करना चाहते हैं। तो हमने पहले ही सेलेक्ट कर रखा था हम क्वार्टरली, यानी कि चार क्वार्टर्स होते हैं, और तीन क्वार्टर्स होते हैं इन ईयर में, चार क्वार्टर्स होते हैं वैसे, लेकिन हम तीन क्वार्टर्स हमने ले रखा है। तो हम तीसरा क्वार्टर में अभी तो 19-20 की हम फाइलिंग कर रहे हैं, और इसमें हम फाइल कर रहे हैं अभी जेन की। आपको पता होना चाहिए जीएसटी आरटीआर तीन तरीके की होती है। जीएसटी आरटीआर फर्स्ट, एक होती है जीएसटी आर सेकेंड, और एक होती है जीएसटी आर 3B। तो चलिए हम मान लेते हैं सपोज दैट कि हम जेन की कर रहे हैं। यहाँ पर हम जाएंगे नीचे, तो चलिए हम थोड़ा सा इसका चेंजमेंट करते हैं, यहाँ पर जून की लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे नीचे ही, तो यहाँ पर हमारे सामने टेबल्स आ जाएंगे, जीएसटी आर फर्स्ट, जीएसटी आर टू और जीएसटी आर 3B। देखिए, जीएसटी आर फर्स्ट होता है परचेज का, सेकंड भी होता है सेल्स का, और 3B होता है कंबाइन। इसमें हम जो भी परचेज करेंगे तो उसका इनवॉइस डालेंगे, तो ये ऑनलाइन भी होती है और ऑफलाइन। तो चलिए ऑनलाइन में आपको पहले दिखाता हूँ ऑनलाइन में कैसे होता है। ऑनलाइन में इस तरह आपका आउटपुट आएगा, आउटवर्ड सप्लाई आएगा, जितना आपने किया ये 2BB, यानी कि जो भी आपने इनवॉइस रिलेटेड, ये इसमें आप जाएंगे पर्टिकुलर में तो आपको इनवॉइस नंबर डालना पड़ेगा, टैक्स की वैल्यू डालनी पड़ेगी। ये 5 फेज होते हैं, इसमें डेबिट और क्रेडिट नोट कितने किए आपने, 2B2 यानी कि बिजनेस से आपने रिलेटेड, ये सारे आपके फॉर्म्स हैं। इसमें से आप जैसे क्लिक करेंगे किसी पे भी तो आपको डिटेल्स जाननी होगी उसके बारे में, यानी ये मैनुअली टाइप होती है। जैसे कि आप देखते हैं, इसको देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर आपको इनवॉइस एड इनवॉइस में करेंगे, तो इस तरह करके आपको इनवॉइसिंग का आपको डिटेल डालना पड़ता है कि इंटरेस्ट रेट है या टैक्सेबल वैल्यू है, इस तरह करके आपका काम होता है। चलिए आपको थोड़ा सा ऑफलाइन दिखाते हैं। ऑफलाइन में क्या होता है कि आप क्या लेते हैं, टैली का बैकअप, क्या लेते हैं टैली का बैकअप, और उस बैकअप को यहाँ से हम जेएसएन फॉर्मेट में हम यहाँ से अपलोड ले लेते हैं। कहने मतलब क्या हो गया कि अगर कोई फाइल होगी टैली के अंदर, उसका अगर बैकअप हमने ले रखा है, कहने मतलब जेएसएन फॉर्मेट में होना चाहिए पहली बात, उसे जेएसएन फॉर्मेट करने के बाद यहाँ से हम ब्राउजर से हम अगर वो जहां पर भी होती है उसे हम सेलेक्ट कर करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ये अपलोड हो जाएगी, जैसे कि मैंने दो अपलोड कर रखी है पहले से, तो अभी ये चल रही है। तो
तो ये ऑफलाइन वाला ज्यादा इजी रहता है। इसमें टैली की जो एंट्रीज होती हैं उसे खाली आपको क्या कहते हैं जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर करके यहाँ पर खाली आपको सिलेक्ट करना होता है। बाकी ऑनलाइन में आपको ऐसा रहता है कि भैया आपको ऑनलाइन ही में टाइप करना होगा इनवॉइस नंबर, सप्लायर की डिटेल, ये सारी चीजें। तो ये जो होती है हमारी की 10 तारीख को जीएसटी आरटीआर फाइल होती है और 15 तारीख को जीएसटी आर टू बी की डिटेल्स देखी जाती है और 3 बी में कंबाइन 20 तारीख तक की लास्ट डेट होती है आप मंथली अगर फाइल कर रहे हैं तो। बाकी ऑनलाइन और ऑनलाइन और ऑफलाइन मैंने आपको दोनों बता दिए और बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि फाइल किस तरह करें टैली में जेसन फॉर्मेट के साथ में, यहाँ पर अपलोड किस तरह किया जाए, ये सारी चीजें थी जो कि मैंने आपको बताई। और बाकी यहाँ से सारा डाउनलोड्स का ऑप्शन है बैक साइड में, तो इस तरह आपका लॉगिन पेज होता है और जीएसटी की टैक्स की डिटेल। तो इसमें हम टैक्स की पेमेंट नहीं करते, इसमें हम टैक्स की इंफॉर्मेशन खाली देते हैं। इस तरह काम इसमें जीएसटीआर में होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।